हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी LG की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में एक बहुत ही कॉमन एरर आता है जो होता है DE, स्मॉल डी कैपिटल ई एरर, इसको आप किस तरह खुद ही घर बैठे आसानी से आप सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे, और हाँ, घंटी जरूर दबाइएगा, नहीं तो अगला वीडियो जरूर मिस कर देंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कोई वॉशिंग मशीन परचेज करनी है तो उसके भी अमेज़न के लिंक्स दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, DE एरर का मतलब होता है डोर एरर, यानी कि डोर जो है वो आपका लॉक नहीं हो पा रहा। जो लोग वॉशिंग मशीन ये पहले से यूज करते हैं उनको तो खैर पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो मशीन होती है इसका डोर लॉक होना बहुत जरूरी है। अब या तो आपका डोर लॉक ही नहीं है, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं डोर मैंने खुला छोड़ दिया आपको DE एरर दिखाने के लिए, इस वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। और या फिर यहाँ पे एक डोर लॉक लगता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक डोर लॉक लगा हुआ है जो कि इन दो स्क्रूज से ही बस लगा रहता है। इन दो स्क्रूज को खोलेंगे लेकिन मशीन आपको थोड़ा सा खोलनी पड़ेगी, टॉप कवर हटा के आप इधर फ्रंट से भी ये रिप्लेस हो जाता है। इसको रिप्लेस करने के लिए दोस्तों ये दो स्क्रूज खोलने होते हैं, टॉप कवर हटाना होगा जैसा कि मैंने अपने और वीडियोस में दिखाया, और उसके बाद ऊपर से ही दोस्तों ये रिप्लेस हो जाता है। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो PCB भी हम लोग हटा देते हैं। तो ये डोर जो है लॉक जो है वो अक्सर ख़राब हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो डोर लॉक जो ऐसे फेंक के जो बंद करते हैं उससे ये डोर लॉक बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो डोर लॉक में जो ये पोर्शन है इसको देखिए, जब हम इसे दबाते हैं तो देखिए हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूँ दबा के इस जगह पर देखिए एक लीवर होता है, यहाँ पे इसे ऐसे हम लोग प्रेस करते हैं दबा के, और इसे यूँ दबाए छोड़ के तब आप इसे तब इस तरह बंद करिए तो आपका ये डोर लॉक कभी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप यूं लेके और यूं झटके से मार मार के बंद कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम ये डोर लॉक नहीं चलेगा, आपका डोर लॉक ख़राब हो जाएगा। अगर आपकी मशीन में DE एरर आ रहा है तो यही एक वजह है कि या तो आपका डोर सही से लॉक नहीं है, या आपका जो डोर का जो सेंसर है यानी कि जो डोर लॉक है वो ख़राब हो चुका है, तो आपको ये आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम लॉक कर देंगे, और जैसे ही हम लॉक करेंगे और उसके बाद मशीन को ऑफ करके दोबारा से ऑन करेंगे तो ये एरर आपका चला जाएगा। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, मशीन आपकी चलने लगेगी, देखिए अब DE एरर नहीं आया। तो आपका ड्रम तभी मूव करेगा जब डोर एरर नहीं हो। तो देखा दोस्तों, DE एरर को आप किस तरह बड़ी आसानी से खुद ही घर बैठे सही कर सकते हैं। LG की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के सारे एरर कोड्स के अलग अलग वीडियो में ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं, तो आपने अगर नहीं देखा तो आप जाके सब देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है सारे वीडियोज़ का। और अगर आपको इस मशीन से संबंधित कोई भी और सवाल है या सुझाव है, या आपको कोई और नई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके लिए आपको सोल्यूशन दे दूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फ्रेश इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।